नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं स्पिन 9 न्यूज़। अखिलेश यादव, जी हाँ, बात कर रहे हैं सपा के प्रमुख अखिलेश यादव जी के बारे में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के बारे में। मैं इतना क्यों इनका बार बार नाम ले रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि जब लखीमपुर खीरी में हिंसा हुई, 4 किसानों के साथ 8 लोगों की मौतें हुई और उसके बाद तरह तरह के नेताओं के बयान आने सामने शुरू हो गए, लेकिन इस बीच में इस रेस में सबसे आगे थे वो अखिलेश यादव, लेकिन उन्हें घर पर ही हिरासत में ले लिया गया। पुलिस इतनी तैनात हो गई कि निकलना उनके लिए मुश्किल हो गया, लेकिन उसके बाद वो घर के बाहर ही प्रोटेस्ट करने शुरू कर दें। वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठ गए और उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश की सरकार किसानों के साथ जो है अत्याचार कर रही है, अंग्रेजों वाली सरकार आ गई है, तानाशाही सरकार है, तमाम तरह के इल्ज़ाम उन्होंने योगी सरकार पर लगा दिए। लेकिन अब जब कल प्रियंका गांधी और राहुल गांधी लखीमपुर खीरी गए, पीड़ित परिवारों से मुलाकातें की, उसके बाद अब आज अखिलेश यादव भी वहां जाने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर जो विपक्ष की जो जीत थी, उस जीत पे उनकी जीत हुई है। कहीं ना कहीं जो उनकी मांगे थे वो योगी सरकार को पूरा करना पड़ा। आज इस पर कह सकते हैं कि विपक्ष ने जिस तरह से आक्रामक मूड दिखाया, जिस तरह से दबाव डाला योगी सरकार पे, आखिर उनके सामने योगी सरकार को झुकना पड़ा। यही वजह है कि तमाम विपक्षी नेताओं को परमिशन मिल गया है और यही वजह है कि अब पहले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने के लिए गई, उनके साथ चाय पी और न्याय का भरोसा भी दिया, और आज अखिलेश यादव जाने वाले हैं, निकल चुके हैं लखीमपुर खीरी जाएंगे, किसानों के दुख में जो है साथ रहेंगे, पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे, भरोसा का आश्वासन देंगे। अब सबसे बड़ी बात ये होगी कि ऐसे वक्त में, ऐसे मौके पे कोई अगर दुख में साथ देता है तो ये बहुत बड़ी बात होती है। अब देखते हैं कि जाने के बाद वो फिर क्या बयान देते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें SPN9 न्यूज़। नमस्कार।